गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही थी। यशोदा रोज अपने आंगन में पक्षियों के लिए पानी और अनाज रखा करती थी। हर रोज वहाँ पर 5 कबूतर आया करते थे। वो 5 भाई थे। 5 पानी पीते और अनाज खाते और अपने घर वापस लौट जाते। यह देखकर यशोदा का मन बहुत प्रसन्न होता था। आ गए मेरे 5 कबूतर। हाँ हाँ, पानी पियो, अनाज खाओ। यशोदा उन्हें पानी पिलाकर और खाना खिलाकर बहुत प्रसन्न होती और फिर खुद भी खाना खाकर आराम करने बैठ जाती। 5 कबूतरों में से 1 कबूतर बहुत चालाक था, जो सबसे बड़ा था। वो बाकी भाइयों को कहता था, अरे अरे, कितना खाए जा रहे हो? मैं सबसे बड़ा हूँ, पहले मुझे खाने दो। बड़ा कबूतर सारे अनाज अकेले ही खा जाता था और बाकी कबूतरों के लिए थोड़े से दाने छोड़ दिया करता था। 4 कबूतर बहुत सीधे और भोले थे। वो अपने बड़े कबूतर की बात मानते थे। धीरे धीरे बड़ा कबूतर मोटा, बहुत मोटा होता चला गया। उसका मोटापा इतना बढ़ गया कि अब वो ढंग से उड़ भी नहीं पा रहा था, लेकिन खाने से वो बाज ही नहीं आता था। 4 कबूतर यह बात देखकर हैरान थे। 4 ने एक दिन चर्चा की, बड़े भैया इतने मोटे होते जा रहे हैं, 4 दाने देते हैं खाने के लिए। यशोदा तो पेट भर कर खिलाना चाहती है, मगर हमारा भाई वो कुछ छोड़ता ही नहीं। सही कहते हो, देखो जरा कितना मोटा हो गया है, लेकिन इसे हम पर दया नहीं आती। हम तो दिन प्रतिदिन कमजोर हो रहे हैं। 4 बहुत चर्चा करते हैं, लेकिन किसी भी नतीजे पर नहीं आते। एक दिन फिर से 4 अनाज खाने के लिए यशोदा के आंगन में जाते हैं। तभी यशोदा की नजर बड़े मोटे कबूतर पर जाती है। हाँ, कितनी देर से ये बड़ा कबूतर ही खाया जा रहा है, और अचानक ही इतना मोटा कैसे होता गया? और बाकी के 4 इतने कमजोर? जरूर दाल में कुछ काला है। 2-3 दिन तक लगातार यशोदा देखती है कि बड़ा कबूतर सारे अनाज खा लेता है और थोड़े से अनाज 4 के 4 भाइयों के लिए छोड़ देता है, जिससे उन 4 का पेट नहीं भरता और वो 4 कमजोर होते जा रहे हैं। तो ये बात है। अब मजा चखाती हूँ। यशोदा पूरी बात समझ जाती है। एक दिन जब बड़ा कबूतर अनाज खाने में मस्त था, यशोदा उसे अपने हाथों में पकड़कर एक पिंजरे में डाल देती है। बाकी के 4 कबूतर डर जाते हैं, पर वो कहती है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुम अनाज खाओ। ये सजा सिर्फ तुम्हारे बड़े भाई के लिए है। बड़ा कबूतर हैरान रह जाता है और पूछता है, क्यों, ऐसा क्यों भाई? मैं सब जानती हूँ, सारे के सारे अनाज तुम खुद खा जाते हो और अपने 4 भाइयों को इतना कमजोर कर दिया है। अब जब तक ये मोटे तगड़े नहीं हो जाते और तुम पतले नहीं हो जाते, तुम इस पिंजरे में ही रहोगे। कई दिनों तक यशोदा उसे पिंजरे में ही दाना खिलाती है और 4 कबूतरों को जी भर के अनाज खाने को देती है। कुछ ही दिन में बड़े कबूतर को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और यशोदा उसे खुला छोड़ देती है। मिनी रंगीन चिकन वाला। ये कहानी है एक चालाक चिकन वाले की। शोलापुर नाम का एक गांव में शांतनु करके एक सेठ था। उसका एक मुर्गी का बड़ा सा फार्म था। आसपास के गांवों को और शहरों को भी वह सप्लाई करता था। उसके पास सूरज करके एक आदमी काम करता था और सब कुछ संभालता था। एक दिन सूरज शांतनु के पास आया। सेठ जी, एक खुशखबरी है, मेरी शादी पक्की हो गई है। मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए। मेरा जो बचाया हुआ पैसा है 5 लाख, वो भी चाहिए। क्या शादी? पागल तो नहीं हुए? अरे शादी के लिए 10 दिन की छुट्टी चाहिए? 1 दिन ले ले, बस मंगलसूत्र पहना कर आ जाना। और तुम्हारा किधर का 5 लाख है रे? दिमाग ठिकाने पे है कि नहीं? ऐसा मत बोलो सेठ जी, वो सब मेरे कमाए हुए पैसे हैं। कोई छुट्टी और पैसा नहीं मिलेगा, शादी करेगा तो बर्बाद हो जाएगा। चुपचाप काम करना यहाँ, नहीं तो तनख्वाह भी नहीं मिलेगी। अच्छा सुन, कल मेरे एक बड़ा सा क्लाइंट आ रहा है, 10,000 मुर्गियाँ खरीद रहा है, संभाल के मुर्गियाँ देना। सेठ ऐसा बोलकर वहाँ से चला जाता है। सूरज निराश होकर अपने दोस्तों के साथ दारू पीने के लिए चला जाता है। सूरज सेठ जी की सारी बात उसके दोस्तों को बोलता है। फिर उसका दोस्त ने ऐसा बोला, सूरज
मुझे मालूम है कि शांतनु सेठ ऐसा क्यों कर रहा है। उसको शादी से बिल्कुल नफरत है रे, क्योंकि उसकी बीवी उसको हर रोज बहुत बुरी तरह पीटती है। ये एक नंबर का बेकार आदमी है। ऐसा क्या? फिर तो उसको मजा चकाना ही पड़ेगा। एक काम करता हूँ, सेठ ने बोला कि कल 10,000 मुर्गियाँ खरीदने के लिए कोई आ रहा है। मैं सब मुर्गियों को रंग डालकर कहीं छुपा देता हूँ, तब आएगा मजा। ऐसा ही सूरज अगले दिन सारी मुर्गियों को रंग डालकर बगल के झोपड़ी में छुपा देता है। थोड़े देर के बाद शांतनु उस आदमी के साथ आया जो मुर्गियाँ खरीदने वाला था। शांतनु ये देखकर चौंक जाता है कि उसके फार्म में एक भी मुर्गी नहीं थी। अरे ये क्या रे सूरज, मेरे सारे मुर्गियाँ कहाँ हैं? पार्टी भी खरीदने के लिए आ गई है, ऊपर से मैंने उनके पास एडवांस भी लिया हुआ है। मुझे कुछ नहीं मालूम सेठ जी, लगता है सारी मुर्गियाँ उड़ गई हैं। चलो ढूंढते हैं। ये सारी बात सुनकर शहर से आया हुआ आदमी शांतनु को बुरी तरह से पीट कर पूरा पैसा लौटाने के लिए बोलकर वहाँ से चला जाता है। क्यों सेठ जी, अब आया दिमाग ठिकाने पे? वहाँ पर देखिए आपके मुर्गियाँ, रंग बिरंगी मुर्गियाँ, मैंने ही उनको छुपाया है। अब तो मेरे पैसे मुझे वापस कर दो। अरे यार सबक मिल गई मुझे, ये लो तुम्हारे पैसे, और हाँ शादी करके वापस आ जाना, फिर ऐसा कभी नहीं करूँगा। शेर और बड़ी मछली। जंगल का राजा शेर भीम सिंह बहुत बलवान था, उससे पूरा जंगल डरता था। जब देखो वो किसी ना किसी का शिकार कर अपना भोजन बना लिया करता था। एक बड़ी मछली जो बहुत बड़ी वैद्य थी पानी के पास रहा करती थी। जंगल के बीमार लोगों का इलाज वही बड़ी मछली किया करती थी। एक दिन पानी पीने के लिए जंगल का राजा भीम सिंह वहां आता है और मछली को खूब सताने लगता है। कब तक लोगों का इलाज करेगी मूर्ख, अगले हफ्ते तुझे खाऊंगा, ये बात तो पक्की है। तुम मुझे खाओगे? क्यों, क्या तुम नहीं चाहते कि जंगल के लोग स्वस्थ रहें? मैं उनका इलाज करती रहूं और किसी को कोई बीमारी ना हो। अरे तो तुम्हारे अलावा एक बंदर भी है जो बहुत अच्छी सेवाएं देता है, तुम अकेली ही वैद्य नहीं हो इस जंगल में। मछली को जंगल के राजा भीम सिंह का ये व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन राजा शिकार पर जाता है और सामने एक बलवान शेर होने के कारण राजा भीम सिंह घायल हो जाता है। जैसे तैसे वो अपने जंगल तक लौट आता है। सभी जानवर परेशान हो जाते हैं। क्या तुमने सुना, राजा भीम सिंह को बहुत गहरी चोट लगी है, 5 दिन से वो गुफा में ही है। मैं ही उनके लिए भोजन का प्रबंध कर रहा हूँ, लेकिन इतना नहीं जुटा पाता कि उनका पेट भर जाए। ऐसा ना हो कल वो मुझे ही खा ले। धीरे धीरे खरगोश की बात सुनकर जंगल के बाकी जानवर भी उसकी मदद करने लगते हैं, लेकिन राजा का स्वस्थ होने का नाम ही नहीं था। तब एक दिन खरगोश राजा से कहता है, महाराज मेरी एक विनती है, जरा ध्यान से सुनिए। हमारे तालाब की बड़ी मछली बहुत अच्छी वैद्य है, अगर उसका आशीर्वाद रहा तो आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। मैं तो कहता हूँ आप उससे इलाज करवा लीजिए। हाँ हाँ तो ले आओ ना उसे यहाँ पर। कैसी बातें करते हैं महाराज, अगर मछली यहाँ तक आएगी तो मर जाएगी, आपको ही उसके पास जाना है। आप कहें तो मैं आपकी मदद करे देता हूँ। राजा बहुत सोच विचार करता है, उसे अपने घमंड में ही रहना पसंद था, लेकिन अपनी मजबूरी के चलते वो मछली के पास तालाब में पहुंच जाता है और मछली से कहता है, मछली देखो मेरे घाव ठीक ही नहीं हो रहे, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मछली बिना कुछ कहे राजा का उपचार करती है। कुछ ही दिनों में राजा एकदम स्वस्थ हो जाता है और मछली से कहता है, मुझे माफ कर दो मछली। महाराज सुनिए, मैं एक वैद्य हूँ और हमारे लिए हर वो इंसान जो घायल है उसकी सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है, और आप तो मेरे राजा हैं, आपकी सेवा करना हमारा धर्म है।
मछली की ये बात सुनकर राजा शेर बहुत खुश हो जाता है। मछली, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं वादा करता हूँ तुम्हें अपना भोजन कभी नहीं बनाऊंगा।